खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर उलमा कराम के साथ हमारा ये सेगमेंट, और इंशाल्लाह अब से लेके आखिरी रमज़ान तक 29 या 30वें रमज़ान तक इंशाल्लाह आप तकरीबन इसी वक्त रोज़ाना ये सेगमेंट देखेंगे और आपके सवाल पर ही खालिस्तान ये सेगमेंट मुश्तमिल होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे सवाल ईद से मुतालिक, फितराना से मुतालिक और बहुत चीज़ें आ भी रही नमाज ईद से मुतालिक। मुफ्ती अकमल साहब मौलाना मोहम्मद रज़ा दौदानी साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। रज़ा दौदानी साहब, आज चूँकि 27 रमज़ान भी है, हमने कल ज़ाहिर शान लैलतुल क़द्र के उनवान से नशरियात भी की, आज का दिन पाकिस्तान से भी मंसूब है, और ये ज़रा बताइएगा हमें कि वतन से मोहब्बत, इसको ज़रा शरीयत के लेंस से बताएं कि ये इस्लामी तौर पे ये कितनी एक पसंदीदा चीज़ है अपने वतन से मोहब्बत करना और जहाँ रहते हो वहाँ का एक अच्छा शहरी बन के रहना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये इतनी बड़ी नेमत है कि आप यूँ अंदाज़ा कीजिए कि अगर अपना वतन हो और अपना घर ना हो तो इंसान कितना परेशान होता है। सही है। अगर उसे सड़कों पर अगर वक्त गुजारना पड़ जाए तो वो कितना मुस्तरिब होगा, कितना परेशान होगा। हाँ। तो इसी से अंदाज़ा कीजिए कि अगर किसी सड़क पर मौजूद शख्स को घर मिलने से जितनी खुशी होती है, उसी तरीके से किसी बेवतन को वतन मिलने पर खुशी होनी चाहिए। वाह वाह। तो अगर किसी के वतन पर किसी ने कब्जा कर लिया तो उसको भी इसे समझिए कि अगर किसी के घर पे किसी ने कब्जा कर लिया हो तो उसे कितनी अजियत होगी। अगर फर्ज कीजिए किसी गैर कौम ने, साम्राज्य ने, इस्तेमार ने अगर वतन के ऊपर कब्जा कर लिया तो इंसान को उससे ज़्यादा अफसोस भी होना चाहिए, दुख भी होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए, उसी हिसाब से तहरीक भी चलनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि बहरहाल बुजुर्गान ने यह काम किया और उसके नतीजे में ये आज़ाद वतन, किसी न किसी हद तक आज़ाद वतन हमको हासिल हुआ। अब जाहिर है कि जो एक नेमत है इंसान हार्ड टू गेन हार्डर टू मेनटेन, जितना मुश्किल किसी चीज़ को हासिल करना होता है उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उसको मेनटेन करना। तो ये बुजुर्गान की मेहनत है कि जो उन्होंने वतन हासिल करके हमको दिया, अब उसको आगे बढ़ाना, उसको बिल्ड करना, उसको मज़ीद बेहतर बनाना, इस खाके के अंदर रंग भरना, इसको हसीन बनाना, हसीन तर बनाना, हसीन तरीन बनाना, ये सारे काम जो है वो आने वाले लोगों के हैं जिनमें हम सब शामिल हैं और हमें अपनी ज़िम्मेदारी इस हवाले से अदा करनी चाहिए। माँ बाप ने घर बना दिया, रंग रोगन नहीं हो सका तो आप रंग रोगन कराइए। अगर माँ बाप ने घर बना दिया उसके अंदर मिसाल के तौर पर अमेरिकन किचन नहीं बन सका तो आप बनाइए। अगर माँ बाप ने घर बना दिया उसके अंदर मिसाल के तौर पर फर्नीचर नहीं था तो आप लगाइए। तो एक चीज़ हो गई तो अब जगह एक मौजूद है, चार दीवारी मौजूद है, कम से कम उसको बेहतर बनाने के लिए दूसरे अफराद अपनी अपनी कोशिशें करेंगे। ओके, बिल्कुल सही है मुफ्ती साहब, इसमें आप भी बताइएगा। और ये नहीं, ये भी कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जना फला काम हुकूमत की करने का है और नहीं, और वो बात ठीक भी होती है, मतलब बाकी मेरे ख्याल से कई और पर जायज़ तनकीद होती है, लेकिन ये तनकीद किसी शहरी को मिसाल के तौर पर अगर बड़ा आसानी से अगर हम ये कह दें कि जनाब वो देखो यार 2 घंटे दूर है दुबई लेकिन वहाँ की सफाई देखो और ये करोगे, तो सही बात है, हुकूमत का जिम्मा है, रियासत को उसको इकदाम करने चाहिए, लेकिन ये चीज़ क्या मुझे इस बात का जवाब फराम करती है कि मैं भी फिर चीज़ खा के वो कचरा ज़मीन पर ही फेंक दो, मुझसे क्या क्या करें? तो यानी हमें अपना किरदार कितना अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले वो पहले वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म हुआ तो आप मक्के से बाहर तशरीफ़ लाए और आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या रब करीम तू मुझे उस मकाम से निकाल रहा है जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब था, अब मुझे ऐसे मकाम पर पहुँचा दे जो इससे भी ज़्यादा महबूब हो। इसका मतलब है कि सरकार मक्के से भी मोहब्बत फरमाते थे, मदीने आए तो मदीने से भी मोहब्बत फरमाते, इसी तरह जब जिहाद से आप कभी वापस आते जब मदीने के करीब पहुँचते ना तो आप घोड़े को सवारी को तेज़ कर दिया करते थे। अच्छा। तेज़ी से आप चाहते थे कि मदीने में जाएं। अच्छा। और सहाबे कराम अगर अपने चेहरों को गर्द कोई आती छुपाना चाहते तो फरमाते ना छुपाओ, मदीने की मिट्टी इसमें शिफा, तो तेज़ी से आप तशरीफ़ लाते। और फिर जैसे हजरत ने फरमाया कि सरकार ने जब कभी किसी ने मैली निगाह से देखा तो दिफा फरमाया, गज़वा खंदक मारूफ है, और ये जितने भी गज़वात हैं ऐसे हकीकतन यह जो एक मरकज़ बन गया था, एक वतन बन गया था, उसके क़याम के लिए इंतहाई ज़रूरी था कि हर किस्म के अंदरूनी बैरूनी साजिश से उसको महफूज रखा जाए। वतन होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं, वतन नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी दूसरी जो आपने बात इरशाद फरमाई, इसमें देखिए मसला ये है कि हमें सबको मिलकर काम करना होगा। जैसे हजरत ने फरमाया ना कंट्री बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ पे जिम्मेदारी डाल के हम बड़ी जिम्मा हो जाएं। सही। पॉपुलेशन हम बढ़ाते रहें, माशाल्लाह हर हॉस्पिटल में चले जाएं लगता है कि सबके बच्चे पैदा हो रहे हैं। अल्लाह के फजल व करम से एक मुझे मिला मिसवाक के, मिसवाक लेने मुस्ताब में हजरत 6 बच्चे हैं मेरे। अच्छा। मैंने कहा तुमने गुर्बत में माशाल्लाह 6 बड़ी बरकत रही तुम्हारी। कह रहे कभी हमारे हालात भी अच्छे थे। मैंने कहा अच्छा चलो अल्लाह आपको बरकत दे। मसला ये कि आबादी इतनी ज़्यादा हो गई, जो पाइप लाइनें डली हुई हैं वो पुराने ज़माने की हैं। हाँ। वो एक एक उसके एक एक घर के लिए थी, अब उसी जगह पर 6 मंजिला बिल्डिंग बन गई है जिसमें 6 फैमिलीज रहती हैं। गंदगी तो हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब वही जैसे आपने कहा दूसरे नहीं कर रहे मैं भी फेंक देता हूँ, ये गलत चीज़ है।
कोशिश करें अपने वतन से मोहब्बत करें, प्यार करें। आप जब हम बाहर मुल्कों में जाते हैं, हालांकि कितना प्रोटोकॉल मिलता है, इज्जत है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन यकीन करें अपने एयरपोर्ट पर उतरते हैं ऐसा लगता है कि ठंडी छांव में आ गए, माँ की गोद में आ गए, इतना प्यार है। और कराची से भी मुझे बड़ी प्यार है, जब मैं कहीं भी विजिट करके आता हूँ ना, कराची एयरपोर्ट पर उतरता हूँ एकदम बड़ी बड़ा प्यार पैदा होता है, हर पूरा पाकिस्तान हमारा है माशाल्लाह, लेकिन वो वतन वतन होता है मतलब। तो ये मोहब्बत होनी चाहिए और हम सब मिलकर इसका ख्याल करें, दरख्त लगाएं ग्रीनी, अगर लगा देते हैं उसका ख्याल रखें कीड़े मकोड़ों का, पौधे पानी डालें, खाद वगैरह डालें, खूबसूरत अपने सिटी को कर दें। कचरा अगर कहीं पड़ा है उठा के डस्टबिन के अंदर डाल दो, चलो किसी ने फेंक दिया तो, और कोई फेंक रहा तो प्यार मोहब्बत से समझा दो। ये नहीं कि चलते हुए थैली नजर आई तो ठोकर मार के फाड़ दी वो थैली ना, वो सारा शॉपर बिखर गया वहाँ पे, यार ये फुटबॉल खेलने के लिए ये रह गया था, ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सही। ये मैं चाह रहा था कि आज के दिन के उनवान से बात हो जाए, बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है। अब जरा लोगों के सवालात भी बहुत सारे हैं, तो मैं अब नमाज से मुतालिक अगला सवाल है, वो कह रहे हैं कि अगर ज़ाहिर अजान के वक्त पर अगर अजान हो गई है तो क्या अजान मुकम्मल होने के बाद नमाज का वक्त शुरू होता है, या बस अजान हो गई तो बस नमाज शुरू कर सकते हैं, अजान के दौरान भी नमाज शुरू कर सकते हैं? ज़ाहिर है कि अजान जब हो रही है तो एहतराम का तकाजा ये है, अदब का तकाजा ये है कि अजान हो जाए, फिर उसके बाद इंसान इकामत कहे और इकामत कहने के बाद नमाज़ पढ़े। जमात अगर हो रही है तो इज्तिमाई तौर पर अजान और इकामत भी इज्तिमाई तौर पर ही हो जाती है, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए फुरादा भी नमाज़ पढ़ रहे हो तब भी अजान और इकामत कहना मुस्तहब है, लिहाजा इसका ख्याल रखा जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अजान हो रही है और इस दौरान किसी ने नमाज़ पढ़ ली तो हम इस नमाज़ को बातिल नहीं कहेंगे लेकिन अदब के खिलाफ बहरहाल कहेंगे। इस पर कोई इख्तलाफ थे फिक्र? यही है, ये आइडियल सिचुएशन तो यही है, लेकिन जैसे आपने सफ़र पे जाना है, हाँ, तो असल वक्त होता है, वक्त शुरू हो गया, हो सकता है मौज़िन साहब 10 मिनट बाद दें, 15 मिनट बाद, ये आदत होती हैं बाद अवकात, तो फिर आप फौरन अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ के निकल सकते हैं, इस पर कोई गुनाह की सूरत नहीं, लेकिन बेहतर वही जो हज़रत ने फरमाया, बाकी मसला बिल्कुल वही है। वो ये मसला भी आया था, तो आपने उसका जवाब दे ही दिया ना कि भाई कि वक्त हो गया है लेकिन अजान नहीं हुई तो हम अजान दिए बगैर नमाज़ पढ़ सकते हैं ना, असल चीज़ तो वक्त है ना अजान। हज़रत ने फरमाया ना, हमारे नज़दीक भी बेहतर ये है कि मुनफरिद भी अजान दे ले, सही, बहुत बुलंद आवाज़ से ना दे, अजान दे ले, बल्कि इकामत भी कह के नमाज़ पढ़ ले, हाँ। लेकिन बग़ैर अजान के भी कर लेगा तो ये ठीक है, क्योंकि अजान जो सुन्नत मौक़दा है वो जमात के लिए है, मुनफरिद के लिए नहीं है, इसके लिए मुस्तहब रह जाती है बस, करे सही है, नहीं करे तो ना करे। ऐसे ये हमारे मतलब हमने अपने बचपन में देखा है, दादा हमारे किया करते थे, तो वो आप पता नहीं, मनी मालूम अभी रिवाज कितना है, लेकिन आप बताइए कि अच्छा रिवाज है क्या, कि जी वो फजर के लिए जब उठते थे तो फजर के लिए अजान बाकायदा बाबा से बुलंद दिया करते थे कि वो पूरे वो, तो ये यानी इस तर्ज का अगर जहाँ बिल्डिंग या फ्लैट्स वगैरह हो तो एक अच्छी रीत है, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। गालिबन आपके वालिद भी ये किया करते थे, अब भी किया करते होंगे, लेकिन ये कि मुझे याद है कि शायद वो किया करते थे। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि उसके नतीजे में वो बहुत सारे अफराद के जो आजकल तो देखिए मोबाइल फ़ोन भी अब हर एक के पास अलार्म लगा लेते हैं, या इसी तरीके से जब घड़ियाँ वो अलार्म क्लॉक आया करती थी और उनका रिवाज ज़्यादा था तो लोग जो नमाज़ के लिए बेदार होना चाहते थे तो वो उसको लगा लिया करते थे। लेकिन उसमें फ़ायदा ये होता है किसी के पास नहीं है अलार्म क्लॉक या कोई मुतवज्जे नहीं हुआ तो उस अजान की वजह से एक बरकत हो जाती थी, लोगों को आवाज़ पहुंच जाती थी और वो बेदार हो जाते थे। तो यकीनन ये एक अच्छा मुस्तहसन कदम है, मुस्तहसन फेल है कि उसके ज़रिए से लोगों की बेदारी का भी इंतज़ाम किया जाए, उनको पैगाम भी दे दिया जाए कि नमाज का वक्त हो चुका है। तो ये अच्छी चीज़ है, इसके करने में ना फ़कत ये कि कोई हरज नहीं बल्कि सवाब है इंशाअल्लाह। सही है। और कोई नौ मौलूद जब होता है तो और हम उसके कान में अजान देते हैं तो उसका यानी ज़ाहिर फेल तो बड़ा अच्छा है, उसके पीछे क्या, उससे क्या बरकत होती है, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट? मतलब ये सुन्नत मुबारक है, असल में डॉक्टर से भी मालूम करें वो कहेंगे कि जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में जो मेमोरी के अंदर चीज़ बैठ जाती है ना, वो बैठ जाती है, वो सारी ज़िंदगी नहीं निकलती। इसलिए शरीयत ने चाहा कि सबसे पहले बच्चे की मेमोरी में जो चीज़ हो वो गवाहियाँ हों, अल्लाह की तकबीर हो, नबी करीम का तज़किरा हो, ताकि महफूज हो जाए, इसलिए वो बच्चे के कान में पहले अजान देते हैं। अच्छा, जो हज़रत ने फरमाया बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन ज़रा अतराफ़ के लोगों का भी इसमें ख्याल कर लेना चाहिए। सही, बाज़ अवक़ात इतने शरारती किस्म के लोग होते हैं कि आप एक अच्छे नीयत से करें, आके गाली गलौज शुरू कर देंगे, मारपीट शुरू कर देंगे, मैं तो वैसे ही आके 4 बजे लेटा था ड्यूटी शुरू हो गया यार, और तुमने ये कर दिया वो कर दिया। अभी वो कुछ असेंबली में भी मैंने सुना था कि वो शायद कुछ ऐसा एतराज़ हुआ है उसके ऊपर, अजान के ऊपर, शायद वो किसी और जिहत से होगा। हाँ, वो पूरा क्लिप देखा मैंने तो संदाद हुआ कि किसी और हवाले से। अच्छा, किसी और हवाले से, बहरहाल। लेकिन ये मैंने देखा, वो असल में मैं एक जगह था तो वहाँ पे एक हाजी साहब थे, वो फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह था फरमाया, वो तहज्जुद के टाइम आकर माइक खोल दिया करते और उस पर वो नाते पे नाते 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 जोरदार, और पूरा मोहल्ला जो है वो सख्त परेशान। खैर, तो आप अजान का कह रहे हैं, लेकिन ये होता है बाद अवकात कि किसी की कैसी कैफियत होती है कैसी नहीं, तो उसका थोड़ा सा ख्याल कर लें तो ज़्यादा बेहतर। फितना ना हो, मतलब ये कि फितना फसाद उसमें, हाँ। और
यानी वो इस तरह मैंने कहा अगर हमने जो रिवाज देखा अपने बचपन में तो वो कोई माई की ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते थे कि भाई अगर कोई सो रहा है तो वो हो जाए, बस एक आवाज़ एक चली आती तो एक अच्छा रहता था माहौल। तो बहुत अच्छा दौर था, अब जो ना बहुत बदल गया। पहले घरों के अंदर कोई एक आदमी नमाज कजा करता था सब नमाजी थे, आज सबके सब सो रहे होते हैं फजर के अंदर। अलमिया ये है ना, उनको बड़ा वहशत होती है इन चीज़ों से और वो बदतमीज़ी पर उतर आते हैं और कलिमात कुफ्र तक कह देते हैं। तो इस माहौल का भी थोड़ा सा ख्याल करके सही है। ये ईद आ रही है तो सवालात भी ईद से मुतालिक सवालात तो ऐसे आ रहे हैं जैसे कल सुबह ईद ऐसा लग रहा है। तो ये बता दें फ़िक़ी एतबार से आप दोनों बता दीजिएगा, पहला नमाज ईद क्या ये पढ़ना ज़रूरी है मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए, या पढ़ लें तो अच्छा है? फ़िक़े जाफ़रिया में पसंदीदा तो यकीनन है ख़वातीन के लिए ज़रूरी नहीं है, मर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा ताकीद है। हमारे यहाँ चूँकि ग़ैबत इमाम ज़माना के कॉन्सेप्ट के हवाले से कि यह असल हक जो है वो इमाम ज़माना का है, लेकिन उनके गैबत में भी इस बात की ताकीद बहुत ज़्यादा है कि नमाज ईद को अंजाम दिया जाए, जमात के साथ पढ़ा जाए। लेकिन अगर फुरादा भी पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगी, लेकिन जमात के साथ पढ़ने की ताकीद बहुत ज़्यादा है। और अगर उसके अंदर सहरा में जाकर पढ़ें तो और ज़्यादा सवाब है। सहरा से मुराद ये है कि थोड़ा सा शहर से बाहर जाकर अगर पढ़ा जाए तो और भी ज़्यादा सवाब है, लेकिन अमली तौर पर इन बड़े शहरों के अंदर अब ये इम्कान नहीं है। उन जगहों पर तो यकीनन इस बात का इम्कान है जहाँ छोटे शहर हों या गाँव हों देहात हों, जब कराची जैसे शहर के अंदर इस बात का इम्कान बहुत कम रह गया। मैं नामुमकिन तो नहीं कहता लेकिन कम रह गया, लिहाजा इतनी बड़ी तादाद में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है। तो जहाँ होती है नमाज़ें अच्छी होती हैं, जमात के साथ होती हैं, एहतमाम के साथ होती हैं, उन नमाज जमात के अंदर शिरकत करना पसंदीदा है, सवाब है, ताकीद है। और इंसान उसमें यह दुआ मांगे कि जो माह मुबारक रमज़ान के अंदर उसने रोज़ा रखा है उसे परवरदिगार आलम कबूल करे, इसी तरीके से जो कुरान मजीद की तिलावत की है उसे कबूल करे। आमतौर पर जो इमाम जमात होते हैं वो खुतबे के अंदर भी ये दुआएं वगैरह करवाते हैं। ना पढ़ के गुनाहगार नहीं होगा? नहीं होगा, हमारे यहाँ नहीं होगा। और नमाज का वक्त कब तक होता है नमाज ईद का? नमाज ईद का वक्त अव्वल बिल्कुल स्टार्ट से ही शुरू हो जाता है, यानी फजर की नमाज के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। और उसके बाद आमतौर पर सूरज निकलने के कुछ बाद तक भी उसका वक्त रहता है। यानी ये तकरीबन कितने बजे का वक्त हो गया अंदाजन? तकरीबन हमारे यहाँ चल रहा होता है 8 बजे तक, तो मैं देख रहा होता हूँ कि नमाज जमात चल रही होती है, 9 बजे तक भी चल रही होती है, कोई हरज नहीं है। ठीक है, आप बताइएगा जी। हमारे यहाँ ये औरतों पर वाजिब नहीं है, उनको चाहिए कि मर्दों की जमात का इंतज़ार करें, इसके बाद घर में नवाफिल वगैरह चाशे शराख के पढ़ लें। और मर्दों पर वाजिब है ये हमारी, उसमें ना पढ़े तो गुनाहगार है, गुनाहगार होगा। और इसमें जमात शर्त है, और इसकी जमात की शर्त ये है कि इमाम के अलावा कम से कम 3 मुक्तदी होने चाहिए। सही है ये, और किसी भी मस्जिद में हो सकती है। और इसकी कज़ा नहीं होती, लेकिन फर्ज कर ले सोते रहेगा नहीं तो इसकी कज़ा नहीं है। इसीलिए अगर ये जमात निकल जाए तो शहर में किसी दूसरी जगह तलाश करनी चाहिए, वहाँ पर जाके पढ़ो। और औकात के हवाले से क्या है? औकात वही फजर के नमाज के बाद आप अव्वल वक्त में पढ़ सकते हैं, जवाल के वक्त से पहले पहले आप अदा कर सकते हैं। यानी जोहर की नमाज का वक्त होने से पहले पहले तक पढ़ी जा सकती है नमाज? जोहर से नहीं, ये जवाल का वक्त जोहर से भी पहले जवाल, हाँ जो मकरू वक्त कहलाता है, ये बदलता रहता है कैलेंडर में। अगर देखें तो दावा कुबरा लिखा होगा या जवाल आफ्ताब, उस वक्त से पहले पहले तक। आजकल कितने बजे हो रहा है अंदाजन? मतलब 11:30, 11:30, 11:40 इस तरीके से। सही है जी। वो ईद से पहले एक और रात आती है, वो चांद रात होती है, वो लैलतुल जायज़ा के उस हवाले से बता देते हैं। मतलब लैलतुल तो इसमें फरिश्ते जो होते हैं वो नुज़ूल करते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लैलतुल जायज़ा इसलिए जायज़ा कहते हैं इनाम को, कि ये ऐसी रात है कि जिसमें लोगों ने पूरे महीने में मेहनत की होती है, तो समझ लें अब ये इनाम की रात होती है। तो वो फरिश्ते नाजिल होते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा मेहनत करे तो क्या उसका रब उसको मजदूरी नहीं देगा? तो फिर से कहते हैं बिल्कुल देगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इनकी बख्शिश और मगफरत फरमा दी। इसका मतलब है कि लैलतुल जायज़ा जो आखिरी रात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एतबार से कि बख्शिश और मगफरत के मजीद चांसेस हैं। और वो हमारी होती है जमजमा पे या तारिक रोड पर। अच्छा सही है। आप ये सेटायर का एलिमेंट अगर देखें तो मुफ्ती साहब से आप स्क्रिप्ट लिखवाया करें, ये कमाल है वाकई। मैं पिछली दफा भी मैंने कहा था स्क्रिप्ट लिखवाइए मुफ्ती साहब से, स्क्रिप्ट भी बहुत जानदार और वो इतना पुरमगज होता है कि कंटेंट की संजीदगी बरकरार रहती है लेकिन एक मुस्कुराहट भी आती है चेहरा पर। क्या क्या कह रहे हैं जबरदस्त। और अच्छा इस अब ये रमजान ये शव्वाल एक तो बता दें, दो बातें दोनों आप भी फिक्री जबरदस्त बताइएगा। ईद के दिन का रोज़ा उस बारे में क्या है, यानी क्या ममनू है क्या, और उसके बाद शव्वाल के रोज़ों का कॉन्सेप्ट है? ईद का रोज़ा तो हराम है, यानी ईद का रोज़ा उन रोज़ों में से है कि जिनको हराम शुमार किया गया है। जैसे ईद उल फितर है पहले दिन वो रोज़ा हराम है, इसी तरह से ईद कुर्बान है उसका पहला दिन वो रोज़ा हराम है। फिर इसके बाद ये है कि ये ईद का जब दिन गुजर जाता है उसके बाद फिर ताकीद है कि 6 रोज़े मुस्तहब है उनको रखने की ताकीद है। बासुका इसके अंदर इतना कहते हैं कि 3 दिन गुजर जाने दीजिए फिर उसके बाद 6 की गिनती शुरू करें, लेकिन बहरहाल 2 से भी अगर वो रखे तो वो रोज़ा तो हो जाएगा। और कंसेक्यूटिव 6 रखना ज़रूरी है? कंसेक्यूटिव 6 की ताकीद बहुत आई है, लेकिन ये कि अगर फासले से भी रखेंगे तो कोई हरज नहीं है, मुस्तहब तो चलेगा, लेकिन ये कि ये ताकीद बहुत ज़्यादा है। और कहा गया है कि जैसे ये 30 रोज़े माह मुबारक रमज़ान के चाहे 29 हों चाहे 30 हों,
दोनों सूरतों में सवाब 30 ही का है, यानी ये भी बात रिवायात के अंदर सराहत आई है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 29वां चांद हो भी गया तो भी सवाब तो 30 ही का मिलेगा, परवरदिगार आलम की बख्शिश है वो जितना देना चाहे। फिर उसके बाद ये कहा गया कि 30 × 10 = 300, तो ये 300 दिन का सवाब हो गया, और अगर ये 6 रोज़े रख लिए तो 60 रोज़ों का सवाब हो गया 10 × मन जा बिल हसनत फलह अशरम सालह। तो एक हिसाब किया गया कि जनाब पूरे साल का रोज़ा रखने का सवाब उसको हासिल हो जाएगा अगर वो ये 29 से 30 दिन रोज़े रख ले और उसमें जमा कर दे 6 रोज़े, तो इस तरह से पूरे साल का रोज़ा रखने का उसे एक लमसम सवाब मिल जाएगा। ताकीद है, ये क्या है आना, ये बस शवाल में 6 रखने होंगे और ईद के दूसरे दिन से रखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और हमारे नज़दीक एक साथ रखना भी ज़रूरी नहीं है, मुतफर्रक तौर पर रख सकते हैं, एक रख लें, 2 दिन का गैप एक रख लें, लेकिन 6 की तादाद पूरी कर लें, और ये खालिसतन नफल है। ये शायद आपसे क्वेश्चन होगा कि क्या जो हमारे कज़ा रोज़े रह गए हैं, मेरा अगला सवाल ये पूछना था जी, तो वो हम इसमें ऐड कर लें दोनों? तो जैसे हदीस सरकार हजरत ने इरशाद फरमाई ये 30 तो वो और 6 मिलकर फिर 360 बनेंगे ना, अगर वो कज़ा को इसी में मर्ज कर लिया तो 360 नहीं होंगे, वो अलहदा रखना ही है अलहदा रख, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन अभी इख्तियार है खासतौर से अगर खवातीन सोचें कि भाई अब हम जो रोज़े कज़ा हुए वो अभी इसी वक्त रख लें, जो कि बाद में पता नहीं कब रखेंगे, हाँ बेहतर इख्तियार है हमारे नज़दीक, मुस्तहब है कि जितनी जल्दी रखें, लेकिन कहने का मतलब ये कि दोनों एक नियत से नहीं रख सकते, कज़ा अलहदा नियत से रखें, 6 शवाल के नफल की नियत से। ताकीद क्या है कि क्या नियत करें, कज़ा पहले पूरे कर लें या फिर नफल की नियत कर लें और कज़ा बाद में कर लें, ताकीद क्या है या मशवरा क्या है? अगर तो ये साबिका महीने की सिर्फ कज़ा रोज़े बाकी है तो बेहतर है पहले वो करें फिर नफल की तरफ आएँ, लेकिन बाद वक्त पिछले ही बहुत सारे बाकी होते हैं, हाँ। वो 300-400 रोज़े बाकी नहीं रखती, तो वो निपटाएं फिर, हाँ तो फिर ये कि नफल पहले कर लें फिर आहिस्ता आहिस्ता कज़ा अदा करते रहें, ठीक है। आपका क्या, इसके अंदर थोड़ा इख्तलाफ है, और वो इख्तलाफ ये है कि नमाज में तो ठीक है अगर किसी के ऊपर कज़ा नमाज़ें हैं तो वो मुस्तहब नमाज भी अगर पढ़ना चाहे, नफल नमाज पढ़ना चाहे तो कोई एतराज़ नहीं है, पसंद तो यही किया गया है कि वहाँ पर भी वो कज़ा नमाज को तरजीह दे, सही है। लेकिन रोज़ों के यहाँ तो हमारा फिक्री मसला ये है कि अगर किसी के ऊपर माह रमज़ान का कोई कज़ा रोज़ा मौजूद है, सही है, तो वो मुस्तहब रोज़े के लिए क्वालिफाई ही नहीं करता, अच्छा, यानी पहले उसे कज़ा रोज़ा ही रखना है, कज़ा रोज़ा एक मरतबा हो जाए फिर उसके बाद वो नफली रोज़ा रख सकता है, हाँ। उससे पहले नहीं रख सकता, अच्छा, तो फिर इस सूरत में ज़ाहिर है फिर वो यहाँ पे वो 6 रोज़े रखे लेकिन कज़ा की नियत से रखें। इसमें हमारे बस ये है कि वो हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि बरोज़े क़यामत बंदे के फ़राइज़ में कुछ कमी होगी तो नवाफिल के ज़रिए उसको पूरा किया जाएगा, ठीक, इसका मतलब है कि नवाफिल भी वैलिड होते हैं हमारे नज़दीक जो है ना, वो फिर फ़राइज़ की तकमील कर देते हैं वो जो कमी उमी होती है, ठीक है। एक राय का इख्तलाफ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़े दोनों उलमाए किराम का, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह, आज 27 रमज़ान है, यौम पाकिस्तान है, तो उस हवाले से एक सेगमेंट खसूसी तरतीब दिया है, एक ब्रेक के बाद।